music. हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम टैलेंट ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा एटीट्यूड 3D इफेक्ट स्टेटस वीडियो, तो फ्रेंड्स इस तरह की स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इस एडिटिंग के लिए जो जिप फाइल का यूज हुआ उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया, उसमें कोई भी पासवर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ है, आप डायरेक्ट उसका यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस एडिटिंग के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी आइकन दबा लेना। वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट कर देना है। और फ्रेंड्स, चलते हैं हम फोन का स्क्रीन पर ओपन करेंगे नोट वीडियो एप्लीकेशन को, एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं फोन का स्क्रीन पर। तो ये जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपने फोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे नोट वीडियो एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर दिया, देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। तो ऊपर जो ये वाला एरो देख सकते हैं, इस पर आपको सिंपली टैप कर देना, टैप करना, नीचे लोड प्रोजेक्ट जिप का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आपको जिस भी फाइल में मैंने जो फाइल दिया वो जहाँ पे भी होगा तो उसे आपको सिंपली ले लेना है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप या तो 3 लाइन पर क्लिक कीजिएगा और डाउनलोड वाले ऑप्शन में आ जाइएगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड में मिल जाएगा ऑसम 3D वीडियो जिप करके मैंने ये वाला फाइल जो आपको दिया है, तो इसे आपको सिंपली ले लेना है। जब इसे आप सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो चुका है। देन यहाँ पे आपको एक बार टैप कर देना है और सिंपली जब आप इस पर टैप करेंगे तो ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप गर्ल हो या बॉय हो कोई भी इमेज लगा सकते हैं। जो मेरा इमेज यहाँ पे आ रहा है तो आप देख सकते हैं ये वाला, बस आप अगर कोई गर्ल के पिक की यूज करके या कपल के पिक यूज करके जो स्टेटस बनाते हैं तो इसका साउंड आप चेंज कर दीजिएगा। तो उसके लिए आपको ग्रुप पे क्लिक कर लेना है, सिंपली इस ऑडियो पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसे यहाँ से डिलीट कर देना है। देन इस साइड में स्क्रॉल कीजिएगा और फ्रेंड्स ये वाला जो प्लस का आइकन आता है इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करना है। यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा, लोड फ्रॉम फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, जिस भी सॉन्ग को आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो सिंपली ऑडियो पर क्लिक कीजिएगा या जिस भी फाइल में होगा उस फाइल में जाकर जो भी सॉन्ग आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो उसे सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने तब तक के लिए इस वाले को सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, ग्रुप पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ग्रुप पे तो यह क्लिक है पहले से ही, इस वाले एरो पे क्लिक कीजिए तो आप देख लीजिएगा कि कितना टाइम का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑडियो मेरा थोड़ा छोटा सा है और ये स्टेटस जो 30 सेकंड का है। तो जो भी आप सॉन्ग यहाँ पे लेंगे तो 30 सेकंड का लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो यहाँ तक बराबर हो जाता है। तो या तो आप इतना ही सॉन्ग रखने वाले हैं तो सिंपली सभी को एक एक करके सेलेक्ट कीजिएगा, ट्रिमो पर क्लिक कीजिएगा। जब ट्रिमो पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, इसे सेलेक्ट करके यहाँ से आपको सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करना होगा, डिलीट कर देना होगा। तो एक एक करके जितना भी फाइल यहाँ पे यूज हुआ है सभी को करना होगा। इससे बेटर है कि आप सॉन्ग ही यहाँ पे यूज कर ले 30 सेकंड का, ठीक है। तो मैं जो सॉन्ग था तब तक के लिए मैं उसे ही रहने देता हूँ, आप अपना कर लीजिएगा। देन यहाँ पे सारी चीज़ें जैसे वैसे ही रहने दीजिएगा। सिंपली आपको यहाँ पे अपनी फोटो जो है उसे चेंज करना है, तो योर फोटो का जो ऑप्शन है इस पर आपको सिंपली टैप कर लेना है, 3 लाइन पर क्लिक करना है, यहाँ पे रिप्लेस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। ऑप्शन टैप करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, एल्बम का ऑप्शन आ जाएगा, जिस भी फाइल में आपका इमेज होगा उस फाइल में आपको सिंपली चले जाना। तो मैं एल्बम पे क्लिक करता हूँ, देन नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे मैंने एक जो PNG अपना बनाया था तो यहाँ पे फोटो रूम में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे फोटो रूम में मेरे पास इमेज है, तो यहाँ पे जो भी इमेज आप लगाना चाहते हैं तो उसे लगा सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए मैं इस गर्ल की इमेज को यहाँ पे लगा देता हूँ, पहले से मेरा लगा हुआ था, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो इसे कुछ इस तरह से देख सकते हैं काफ़ी कट रहा है, तो इसे सबसे पहले थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं काफ़ी छोटा हो गया। देन इसे आपको एडजस्ट कर लेना है जितना पे भी रखिएगा कि पैड में जो यहाँ पे ये जो शूज जो है वो कटे ना, मतलब नीचे आप ज़्यादा कीजिएगा तो ये कट जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से कट रहा है, तो आप इस तरह से रखिएगा जैसे लगे ये ज़मीन पे खड़ा है, ठीक है। देन यहाँ पे थोड़ा सा आगे करते हैं और इसे आपको इस साइड में थोड़ा सा जूम आउट कर देना है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये परफेक्टली यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट हो चुका है। देन हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इस तरह से किसी इंटरफेस आएगा। बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको लोगो वगैरह यहाँ पे मैंने नहीं लगा कर दिया है। तो आप अगर यहाँ पे लोगो वगैरह कुछ लगाना चाहते हैं तो किसी एप्लीकेशन की मदद से आप लगा लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे लोगो नहीं लगाता हूँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है इसलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कोई लोगो नहीं मिलेगा, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। इसे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने के लिए नीचे जो एरो देख सकते हैं इस पर आपको सिंपली टैप कर देना, टैप करना नीचे वाले ग्रीन बटन पर आपको क्लिक कर देना है, फ्रेंड्स ये एक्सपोर्ट हो जाएगा आपके फोन में। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी आइकन दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।